गुड मॉर्निंग नमस्कार सत्यकाल कैसे हैं लोग आज के दिवसी बहुत ही अच्छे होंगे एक बार जल्द लोग कंफर्मेशन कन्फर्मेशन देंगे सभी को वीडियो जो है प्रॉबरदी से लाइव जारी नहीं ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए फटाफट से एक बार कन्फर्म कर दो कन्फर्मेशन की तो देर होती है और सारे लोग देखो कन्फर्मेशन करने के साथ साथ एक काम आप लोग करेंगे वो ये कि सेशन को जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर देंगे ओके सो वेलकम एवरीवन आई गेस अभी को भी सेशन जो है वो प्रॉपर दिल से लाइव है बस कंफर्मेशन इस चीज़ की है कि आप लोग को ऑडियो जो है वो क्लियर जा रहा है प्रॉपर तरीके से राइट right? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो सुबह सुबह का वक्त है सारे लोग आज वे गए सारे लोग अब तक उठ चुके होंगे फ्रेश हो चुके होंगे नहा धो हो के बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे कि हाँ जी भाई अब हो चुकी है सुबह और हमें करनी है सुबह की शुरुआत आज के दिन के साथ अब आज के दिन में आज स्पेशल क्या करने वाले हैं हम तो हम जी की कोशिश करने वाले हैं वन लाइनर वाले जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही आसान भी होते हैं जिसके लिए आप लोग लूसन प्रेफर करते हो और बाकी एग्ज़ाम्स की बुक्स प्रेफर करते रहे वन लाइनर क्वेश्चन के लिए एक्जैक्टली चलिए आप लोग अगर एसएससी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं जल्दी से आप देखो एसएससी आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको एक जगह पर मिलती है जितने भी एग्जाम्स आपकी एस से रिलेटेड आते हैं उन सारे पे जैसे अभी आप लोगों का क्या है सी है ठीक है तो मैम सी की तैयारी मैम कैसे करें मैम सी की मैम तैयारी हमें कौन कराएगा कहाँ से करेंगे कैसे करना होगा तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर अब के के उस वाले पे आपको सारे बैच मिल जाएंगे जहां आपके बैचेस शुरुआत से लेकर अंत तक कराए जाएंगे उसके अलावा क्या मिलने वाला है भाई तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे मॉक टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग मतलब अगर आप बैच परचेस कर रहे हो तो आपको सारी चीजें एक जगह पे एक साथ मिलती हैं मुझे मैं ये नहीं कह रही तुम लोग खरीद दो मैं बस इतना कह रही हूँ कि बस एक बार जाओ टेक्स बुक के प्लेटफॉर्म पे एक बार खोल के देखो पूरा का पूरा कि वहां पे कितने सारे एजुकेटर्स जो हैं आपके लिए तैयारी करा रहे हैं वो एजुकेटर्स भी हैं जिनसे आप एस में पढ़ना चाहते थे जाके उनकी कोचिंग में वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है उनके भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है एज यू कैन सी ओके अरे रुको 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 तो स्टार्ट करें फिर स्टार्टिंग जी एम सी को और बड़ा ही आसान होने वाला है हाँ जी मैं एकदम बढ़िया 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 ठीक है चलो तो पहला सवाल बहुत ही आसान और हम करने वाले हैं अभी आपके सामने ठीक है अरे अरे क्या हो रहा है पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपब्लिक इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे पहले तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला कि पहले रिपब्लिक इंडिया के मतलब जब हमारा देश आजाद हो चुका था अब दो तीन चीजें आती है यहां पे एक बार बताओ जब हमारा देश ना इससे ना हम लोग थोड़ा सा डीप में चीजों को भी पढ़ लेते हैं ठीक है देश को जब आजाद कराने की बात आई और जब ये बात आई कि यार संविधान को रखना होगा संविधान बनाना होगा तो भैया कोई थाली जब संविधान बनाता है ना जितने भी मिशन आ, आ रहे थे क्रिप्स मिशन आ रहे थे या फिर ऑगस्ट ऑफर आ रहा था हम सबको इग्नोर कर रहे थे सबको हम रिजेक्ट करते हुए जा रहे थे लेकिन एक आता है कौन कैबिनेट मिशन इसने कहा कि भैया चलो ठीक है हम बनाएंगे दो ढांचे एक हम बनाएंगे एक लूज एंड बनाएंगे दो ढांचे बनाएंगे एक बनाएंगे जहां से आई खड़ी होगी और एक ढांचा ऐसा बनाएंगे जहां से मुस्लिम लीग खड़ा होगा मतलब एक वहां से जहां की आबादी क्या होगी जनरल आबादी होगी और एक वहां जहां की आबादी क्या होगी मुस्लिम की आबादी होगी अब यहां से इलेक्शन शुरू हुआ अपनी अपनी वोटिंग, वोटिंग शुरू वोटिंग शुरू हुई वोटिंग शुरू होने के बाद क्या फॉर्म होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है क्या फॉर्म होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है

सामने की लाइट जो है उसकी वजह से शाइन हो रहा है बोर्ड पे क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों काफी ऊपर है ठीक है सही है ओके अब दूसरा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इसके लिए ज्यादा आप लोगों को सोचने की जरूरत पड़ेगी चलो इसके साथ दो तीन चीज़ें और बताते हैं एक बात बताना आज हम लोग कहते हैं कि मैम हमारा सोर्स क्या है मैम हमारा सोर्स जो है ना वो क्या है मैम प्रियम्बल है अगर मैं बोलूं कि प्रियम्बल के जैसा ही या काइंड ऑफ के जैसा एक चीज़ कुछ पास किया गया था हमारे इंडिया में जिसको हम किस नाम से जानते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ याद आ रहा है कि आखिर ये किसने पास किया था ये कि पार्लियामेंट चाहे, तो चाहे तो किसी का भी एरिया बढ़ा सकती है किसी का भी एरिया को घटा सकती है अपने अकॉर्डिंगली ये बात तो कही गई थी राइट right? है कि नहीं एग्जैक्टली exactly. किसने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइस शरीर क्लास फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले चीफ जस्टिस कौन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जल्दी जल्दी यार तुम लोगों तो फटाफट -फड़ जवाब देना चाहिए इसका जवाब तो दे सकते हो फटाफट -फड़ तरीके से जल्दी 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 हरिलाल के नियंत्रता ने बताया है और किसने बताया है करण ने बताया है जस्टिस हीरा लाल के क्या है बताया हमने जस्टिस हीरा लाल नेक्स्ट वन फातिमा बीवी जो थी ये कौन थी फातिमा बीवी जो थी

उसके बाद 1950 में हमने क्या बनाया देखो जब देश जब हमारा आजाद हुआ तो हमने सबसे पहले क्या की उन चीजों को लागू किया जो ज्यादा जरूरी था जैसे हमें डिफेंस फोर्सेस के बारे में कह लो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस के बारे में कह लो हमने वो सारे प्रोविजन जो थे सबसे पहले लागू किए करेक्ट ये बात तो सही है इसके बाद हमने क्या किया 1950 में जैसे ही हमारा संविधान बना तो देखो हम संविधान बनते बनते किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है अच्छा बाई दे वे ये खबरें आ रही है चाइना में कि शी जिनपिंग की मृत्यु हो गई ऐसी खबरें आ रही हैं है। समय नहीं कह रही हूं मैंने आज सुबह सुबह पढ़ा है मैंने कई सारी न्यूज पढ़ा है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस वेरी गुड बेटा आप विपिन रावत कैसे कह रहे हैं विपिन रावत की अभी मृत्यु हुई है अब कैसे क्या बता रहे हो यार बेटा जनरल करिप्पा थे नहीं नहीं, नहीं 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 हाँ वेरी गुड आदित्य का जवाब सही है वेरी वेरी गुड जनरल को जब भी 1950 में जो हमारा देश में जब संविधान बना उसके बाद हमने क्या किया हमने बोला डिफेंस फोर्सेस बनाने की हमें बड़ी जरूरत है अगर डिफेंस फोर्स अगर हमारी तगड़ी नहीं हुई अगर डिफेंस फोर्स हमारी अगर अच्छी नहीं हुई आज आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से तो चीजें सही नहीं होगी तो सबसे पहले हमने जो तीन डिफेंस आपके बनाए तीनों कौन-कौन से? आर्मी, नेवी और आपकी फोर्स, है ना? अब बिना बगैर अधूरे हैं तुम कोई भी एक युद्ध उठा के देख लो कोई भी एक्सटर्नल युद्ध तुम देख लो, एक उठा के देख लो जहां पे एक सेना की जान दूसरी सेना वाले ने बचाई दूसरी की जान तीसरी वाले ने बचाई मतलब तीनों का तीनों का सम्मेलन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एक साथ ही बात आ रही है कुछ समझ में तुम लोगों को कुछ याद है जब बांग्लादेश को बचाने का जब हमने युद्ध किया था उस दौरान पर चलो वो छोड़ो गोवा को किसने आजाद कराया था जितने जितने लोग कहते हैं गोवा को आजाद कराया से हमारी कौन से डिफेंस विंग ने गोवा को आजाद कराया था कौन से डिफेंस विंग ने गोवा को आजाद कराया था फटाफट से कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपने ये तो बता दिया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के लेकिन ये कौन बताएगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जल्दी से करट ने सही जवाब दिया है एनियोन एल्स राइट तीनों सेना का सर्वोच्च प्रेसिडेंट ही होता है सर्वपल्ली राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक तो लड़का अलग ही लेवल पे जा रहा है हामिद अंसारी पता नहीं वो अभी तक कौन सी दुनिया में है भगवान जाने तुमको पता भी है उन पे के ऊपर अभी चार्जेस वार्जेस छोड़ो यार कम से कम अगर स्टैटिक के बारे में अगर मुझे जो नॉर्मल चीज़ें उनके बारे में नहीं पता होता है ना अगर तो कम से कम उन चीजों के बारे में जान लो करंट अफेयर्स तो पढ़ते हो एटलीस्ट कब ऑन गाइज कुछ भी हामिद अंसारी उसे बच्चों को ना क्लास में निकाल के और उसके बाद मारते हैं उठा उठा के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट रिपब्लिकन इंडिया के कौन बने थे अब मैंने क्या पूछा है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अच्छा एक बात बताओ कभी तुम लोगों ने सोचा है एनालाइज किया है कि ये जो जिन्ना था मैम जिन्ना तो पहले कहां पे था इंडियन नेशनल कांग्रेस में था पता है ना ये बात बात बताओ फिर इसने ऐसा क्या हो गया कि इसने कर लिया मुस्लिम लीग जिन्ना इंटरनेशनल कांग्रेस में था तुम लोग ये मत बोल देना मम्मी पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था मत बोल देना ठीक है पाकिस्तान वाले फिर गुस्सा हो जाएंगे ओके okay. हाँ तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि कभी तुम लोग को ऐसा नहीं लगा कि आखिर इंटरनेशनल कांग्रेस से ये मुस्लिम लीग में क्यों चला गया और उस टाइम पे गया है जिस टाइम पे हमारे यहाँ नरम दल गरम दल चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेस्ट चल रहा था तो उस टाइम ये भैया निकल लिए थे और क्यों गए थे भैया ये तो गए थे मनाने के लिए उन लोगों को लेकिन बाद पर वापस आई नहीं कभी डॉक्टर जाकिर हुशेन, जाकिर हुसैन हुसैन जाकिर हुसैन अरे भीम तुम मैम की शादी के लिए नहीं हुई है मैम की शादी और करना भी नहीं है मैम को ठीक है हमने क्या कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन अगर प्रेसिडेंट की इन हाउस इन ऑफिस अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे उनके ऑफिस वैकेंट रहेगा या फिर उनकी जगह पे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट कोई आएगा जल्दी बताओ अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या तो फिर किसी और रीजन से अगर इनका ऑफिस वैकेंट रहता है तो याद रखना उस टाइम पीरियड पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कौन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही विल बी वोट ही विल बी एज Acting President, ठीक है ही विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट क्लियर चलो नेक्स्ट वन फर्स्ट प्रेसिडेंट office, पहले ऐसे प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु हो गई थी ऑफिस में ही अभी जो मैंने सवाल दिया था इसीलिए मैंने उस सवाल में ही पूछा था क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई थी जब वो अपना टर्म कंप्लीट कर रहे थे टर्म के दौरान पर उनकी मौत हुई थी याद रखिएगा नेक्स्ट वन द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे देखो इससे पहले तो बहुत सारी चीजें लेके आए थे अंग्रेज एजुकेशन के लिए स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन के लिए अंग्रेज बहुत कुछ लेके आए थे चलो ठीक है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर क्या जवाब दे रहे हो भैया अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड क्या आपने बताया अबुल कलाम आजाद नेक्स्ट वन पहले होम मिनिस्टर कौन थे होम मिनिस्टर कौन थे गृह मंत्रालय में कौन थे पहले जल्दी से बताओ गृह मंत्रालय का जो पोर्टफोलियो होता है ये क्या क्या होल्ड करता है गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो फटाफट से वही आदमी वेरी वेरी गुड जो बच्चे जवाहरलाल नेहरू जवाब दे रहे बेटा तुम तो इतना कंटाप खाओगे कह नीचे की तुम्हारा अलग ही लेवल जा रहा है ध्यान दो मैंने क्या बताया कई सारे ऐसे स्टेट थे जो क्या होना चाहते थे अलग होना चाहते थे बेसिकली वॉट दे वॉन्टेड दे वॉन्टेड डिवाइड इसको रोकना और रोक के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराना इसको रोकना और रोक के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है कि अब से आप जो होंगे आप हमारे ही देश के क्या है आप हमारे देश से अलग नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हमारे देश से अलग हैं तो आप हमारे देश से अलग नहीं है है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि भैया आप भारत का हिस्सा है आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं कुछ इसमें याद आ रहा है वैसे सीरीज में तो काफी लोगों के नाम है लेकिन जो तो स्पेशल नाम अगर आप लोग को याद आ रहा हो हैदराबाद के निजाम का नाम याद आ रहा होगा जो हैदराबाद के जो निज़ाम रहे थे जो भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि इनके यहाँ एक आर्मी चलती थी कोई मुझे एक आर्मी को उसका नाम याद दिलाना आर से कुछ नाम था उसकी आर्मी का और उसकी भैया उसके तेवर अलग थे पाकिस्तान में शामिल होना है एक इस्लामिक कंट्री बनाना है अलग से हमें कहीं पे शामिल होना है उसकी कुछ अलग कावियादाएँ चलती थी ठीक है तो उसकी अलग काव्यादाय चलती थी जिसको लेके फिर पटेल साहब ने भैया उसको भी निपटारा कर दिया हमारी इंडियन आर्मी घुस जाती है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लेती है सिमिलर कंडीशन मतलब चल रहा था कहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कुछ वैसा ही कंडीशन पाकिस्तान कह रही हूँ कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ भी नहीं हो रहा था लेकिन हिंदुस्तान के साथ भी नहीं हो रहा था राजा था हिंदू कौन था राजा हरी सिंह वहां भी पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाना किसने करवाया था भैया पटेल साहब ने करवाया था बाय हुक कुक जो भी तुम मान लो इसको भैया अगला क्वेश्चन फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले स्पीकर लोकसभा किसके साथ ही मुझे बताएंगे कि लोकसभा का इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट सबसे पहली बार कब हुआ था कंडक्टेड फर्स्ट टाइम लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट पहली सबसे पहली बार कब हुआ था जीवी मालवांकर ओके ग्रेट वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड जी वी मालवांकर साहब यानी गणेश भाषुदेवाय मालवांकर साहब राइट 1951 1952 लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं और इस कंफ्यूजन में जाने ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ ना 1951 नहीं था इट्स 1952 काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं और काफी लोग और कुछ डिसस्मार्ट हैं कि सारा आंसर देरे ए बी सी डी सारा आंसर हो ना 1951 1952 1953 ईच एंड एवरीथिंग ठीक है इसका अपन किसका जवाब क्या होगा भैया इसका जवाब होगा जीवी मालवांकर साहब कौन थे भैया जीवी मालवांकर साहब पहला इलेक्शन जब का लोकसभा कंडक्ट हुआ था वो कब कंडक्ट हुआ था 952 के टाइम पर कंडक्ट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अब राज्यसभा से दो चीजें आपको याद रखनी है क्या क्या याद रखनी है ध्यान दो जब मैं राज्यसभा के बारे में बात करूंगी बेटा तो हमेशा एक बात याद रखेगा कि राज्यसभा इज वॉट राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी देखो हुआ क्या था हम जब आजाद हो रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे और हमने ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है असल में हमने पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर लिया कहां से था हमने पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर लिया था ब्रिटिशर्स से उनके यहां क्या होता था हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स तो हमने क्या बनाया राज्यसभा को हमने बनाया किसके बेसिस पे भैया राज्यों की सभा होगी यहाँ पे राज्यों के पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पे लोग आएंगे और बैठेंगे क्लियर और लोकसभा में क्या होगी लोगों की सभा होगी तो हमने राज्यसभा को क्या बनाया हमने राज्यसभा को बनाया अपर हाउस अच्छा मैंने आपको यहां पे क्यों बताया है कि ये परमानेंट बॉडी है रीजन क्या है क्योंकि कभी ये डिसॉल्व नहीं होती है लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है वो क्या कि इसके वन थर्ड मेंबर जो है ये रिटायर होते हैं अब तुम मुझे बताओगे कि ये रिटायर किस टाइम पीरियड के बाद होते हैं रिटायर एवरी रिटायर होते हैं हर दो साल पे एक साल पे या तीन साल पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स वेरी वेरी गुड एवरी टू इयर्स एवरी टू इयर्स वेरी गुड अब है प्रियंका शेखावत ओके वेरी वेरी गुड पवन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ठीक है फर्स्ट बेटा ऑब्वियसली बात अभी अपने वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताया था ना तो वाइस प्रेसिडेंट ही तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के इतना तो मैम याद है हमें इतना तो पता है हमें तो राधा कृष्ण जी नेक्स्ट फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे थे इंडिया के देखो ये वो सारा चीज है जब अधीश आजाद हुआ तो इन सारी चीजों को सेटअप करना बहुत जरूरी था क्योंकि बगैर इन सारी चीजों को सेटअप किए बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते थे ना भाई वना इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते कानून नहीं बनता पास कहां पे होता डिबेट कैसे होता डिस्कशन कैसे होता तो ये सारी चीजें भी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी वहां पे। सुकुमार सेन पवन प्रियंका अरे क्या बात है यार सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थी जिन्होंने रिजाइन कर दिया था बिना अपना पूरा टर्म कंप्लीट हुए बगैर अब टर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका पूरा कार्यकाल कब तक का होता है फाइव इयर्स का होता है इस टाइम पीरियड के लिए आपको इलेक्ट किया जाता है यू आ किसी को जब इलेक्ट किया जाता है तो देव आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ फाइव इयर्स यानी कि इस पाँच साल के पूरे होने से पहले किन्होंने रिजाइन किया था लाल बहादुर शास्त्री बेटा मैंने रिजाइन पूछा था मैंने मृत्यु नहीं पूछा था कि किन को मार दिया गया था सॉरी या किन की डेथ हो गई थी मैंने पूछा किसने रिजाइन कर दिया था गलत हाँ लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी वो भी ताशकंत में डेथ हुई थी उनकी जिसके बारे में आज तक नहीं पता चला कि आखिर ताश में हुआ क्या था तुम बताओ कितने मजबूत देश के पीएम की डेथ हो जाती है बाहर और उसके बारे में कोई जांच नहीं होती है कुछ नहीं होता है जाकिर हुसैन गलत 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 मोरारजी दिसाई किसके बारे में मुरारजी देसाई साहब ने देखो बेटा किसी ने भी पहले इस्तीफा नहीं दिया है जो जो बच्चे कमेंट सेक्शन में चरण सिंह बता रहे हैं बेटा चरण सिंह के साथ ऐसा हुआ था कि कांग्रेस ने इनसे अपना विश्वास वापस ले लिया था इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था लेकिन अपना टर्म कंप्लीट हुए बगैर रिजाइन करने वाले जो आदमी थे वो कौन थे मोरारजी देसाई यही मोरारजी देसाई जो जिन्होंने पीडीए एक्ट इनके टाइम पीरियड पे पास हुआ था okay. तुम लोगों को आवाज सुनाई दी क्या अभी किसी कोई आवाज सुनाई दी क्या अभी मेरे घर पे तो कोई नहीं है ये ये ऐसी आवाज कहां से आई ओके okay. क्या बताया मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये एक्ट होता क्या है मुराजी देसाई साहब ने कहा था कि जब ये एक्ट पास हो रहा था तब मेरे रातों की नींद उड़ गई थी मैं रात में सो नहीं पाया था मैं करवटे बदलता रह रहा था ये एक ऐसा एक्ट है ये असल में आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये क्या है बेटा आपका ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत अगर आप एक बार अंदर चले गए तो उस दोबारा आपको अंदर से जेल से बाहर निकलवाने में हालत जो है वो खराब हो जाएगी अंदर रीजन वाई क्यों हालत खराब हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई चार्जशीट नहीं है कोई एफ नहीं है ठीक है और आपको इसके अंदर तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब देशद्रोह के मामले में कुछ होता है तभी नेक्स्ट वन पहले इंडस्ट्री सप्लाइज मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हाँ, आवाज़ था था ना कोई आर एस एस के बारे में जानता है वेरी वेरी गुड नहीं आया ना कोई आवाज जल्दी 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 फटाफट से बताओ क्या कोई आर एस एस के बारे में जानता है अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे कोलकाता और उन्होंने आके यहाँ पे डायमंड हार्बर के पास नाम चेंज किया है उसका नाम रखा है क्या श्याम प्रसाद मुखर्जी श्याम प्रसाद मुखर्जी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिया के देखो दुश्मनी कैसी होती है ग्यारह साल पहले अमित शाह जी को अरेस्ट कराया था वित्त मंत्री जी ने जो उस टाइम पीरियड पर थे चिदम्बरम साहब ने और जब ये बने पावर में आए तो उन्होंने उनको अरेस्ट करा दिया मतलब देखते हो लोग याद कितना रखते हैं कि किसे हमारे साथ कितना बुरा किया था वैसे याद नहीं रखना चाहिए इतना बट स्टिल ओके okay, सिमरन चलिए बताइए कौन थे पहले वेरी गुड मुक्कू बहुत अच्छी बात है एनी वो

सिबिलिटी kind of collective responsibility. Collective responsibility, मतलब की सबकी जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ होनी ही होगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है हम तो डूबेंगे ही सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला सिचुएशन है जो हमारे दोस्त करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हर किसी को एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करना होता है पहले पर्सन बनते हैं जिन्होंने रिजाइन किया था कैबिनेट से वो कौन थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ओके okay. डन नेक्स्ट वन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैन एन यू वन टेल मी की मैम महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काम है वो बस आजादी दिलाने तक का काम है क्या कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो काम है वो बस आज़ादी दिलाने तक का काम है उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो जाएगी डिजोल्व कर जाएगी ये बातें किसने कही थी गांधी जी ने कही थी इतनी बात क्लियर है महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था दूसरी बात महात्मा का टाइटल गांधी जी को दिया था टैगोर साहब ने किसने दिया था टैगोर ने दिया था अब जल्दी से मुझे बताओ गांधी जी ने तो ये कह दिया लेकिन पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टैगोर टैगोर अरे ना, ना, ना 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 ना, चलो मैं हिंट देती हूं पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये पैसे भेजने का कंसेप्ट भी होता है क्या यूट्यूब पे मुझे इतनी जानकारी नहीं है टेक्निकली एकदम जानकारी नहीं है मुझे ट्रस्ट मी 1885 हाँ वीसी बैनर्जी वीसी बैनर्जी वेरी गुड आ गया ना जवाब देखे वीसी बैनर्जी वोमेश चंद्र बैनर्जी ग्रेट नेक्स्ट वन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहले प्रेसिडेंट जो है नहीं बेटा वो मुझे नहीं मिले वो यूट्यूब को मिलते हैं पैसे पैसे बाय शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया ना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इसका जवाब अभी दिया ना हमने नाउ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले मुस्लिम कौन थे भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जल्दी से फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से फटाफट फड़ से अच्छा कोई मुझे बता सकता है मूवमेंट गौरव त्यागी दीपांशु अमित करण नहीं रे, गोरंग ओके डन तैयाब जी साहब जो थे भैया इसके फर्स्ट मुस्लिम ये बने थे अध्यक्ष बने थे कोई मुझे बताएगा कि एय ह्यूमन का रिश्ता क्या था आईएनसी के साथ कि मैम बहुत लोगों ने हमें नहीं बताया है एय ह्यूम के बारे में बहुत लोगों ने हमें नहीं बताया है मैम आके रिश्ता क्या था ह्यूम का कोई बताएगा 1887 देव जी फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरी गुड गुडमन वेरी वेरी गुड फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम नाउ पहले गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के अभी तो बहुत बड़ा सवाल बन जाता है क्योंकि भैया इससे पहले तो कौन थे कौन थे देखो थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पहला गवर्नर जनरल फ्री इंडिया चलो इसको थोड़ा तो और समझाती हूँ तुमको इंडिया फ्री कब हुआ 1947 अब इस टाइम पीरियड पर कौन था गवर्नर जनरल तोड़ना सीखो और तोड़ के जवाब देना सीखो अंधा होके जवाब देना मत सीखो वही आदमी जिसने भारत का डिवीजन किया वही आदमी ये लोग जिनके नेशनल विड्रॉल की वजह से भारत की ये हालत हुई और वही आदमी जिसने रेड क्लिफ को भारत इनवाइट किया भारत बुलाया और बोला इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दो और इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा पेपर पे किया गया बस एक लाइन खींच के इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा इतने बुरे तरीके से किया गया कि मान लो एक पेपर का टुकड़ा लिया गया बोला ये बंटवारा इसके चक्कर में आज भी ऐसा है कि आधा घर जो है वो पाकिस्तान में है और आधा घर जो है वो इंडिया में है मैं कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था एक भाई जो है वो मुसलमान है और एक भाई जो है पंजाबी मतलब वो बना है अरे से देखो कल एक क्वेश्चन पढ़ाई थी तुमको जिसमें तुम लोग सी राजगोपाल चारी बताए थे लेकिन उसमें सवाल क्या था वो अलग सवाल था है ना 1948 में बनेंगे सी राजगोपाल चारी इससे पहले कौन था माउंट बैटन इसलिए तो मैंने बोला कि उस चीज को पूरा समझो वेरी गुड बाजीराव सत्यम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है ये कुछ क्वेश्चन जो देखने में तुमको बड़े ईजी लगते हैं कि मैम बड़ा है पहला गवर्नर जनरल फ्री फ्री इंडिया इंडिया कौन होगा इजी है मैम ये तो अरे जब इंडिया जब हुआ तक में भी तब भी चार्ज किसने लेके रखा था माउंट बैटन ने चार्ज लेके रखा था फोर्टी एट में उसने वो पोजीशन खाली की थी कब 1948 में पोजीशन को उसने खाली किया था लेकिन चार्ज तो उसी ने ले रखा था तो टेक्निकली कौन होगा? टेक्निकली तो माउंट नो वन एल्स और बाहर जो है, बारिश शुरू हो चुकी है काफी बादलों की गर्जना डेढ़ महीना हो गया बरसात गए हुए अच्छा वे कोई जानते है इनके बारे में कि इनका रिश्ता क्या था रानी के साथ और इनकी एक डायरी थी हाँ वही डायरी जिसे बॉलीवुड में बात नहीं करते थे रेड डायरी जिस डायरी में काफ़ी सारे तथ्य लिखे गए थे अब मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है मैंने एक सेशन लिया था इससे इसके बारे में बहुत पहले लिया था दो तीन महीने दो तीन चार महीने पहले लिया था एक सेशन मैंने इसके ऊपर इसकी डायरी का हालत कुछ ऐसा था कि डायरी के आलम में बहुत कुछ जानकारियाँ लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ उनकी आदतों के बारे में क्योंकि भैया काफ़ी करीबी दोस्त रहे थे उनके उस डायरी को भारत सरकार ने कभी बाहर नहीं आने दिया

रानी के साथ रिश्ता था सी, सी राजगोपाल चारी ला, ला 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 तुमको हमेशा गलत ट्रांसलेशन क्यों लेना है नेक्स्ट वन गाइस गाइस शेयर क्लास एटलीस्ट आर यू डूइंग मतलब शांति से बस बैठे हैं तो बस बैठे हैं ना क्लास को शेयर करना है ना क्लास को लाइक करना है और जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कई लोग हमें देखते ना बड़े आलसी होते क्लास में आए अरे यार मैम सब्सक्राइबर मोड लिखा हुआ है और मुझे आगे कंप्लेन कर रहे हैं मैम पता है मैम हम कमेंट नहीं कर पा रहे थे मैम वहाँ पे ना सब्सक्राइबर मोड ऑन किया हुआ था क्यों तुमसे सब्सक्राइब करने के कर तुम्हारे घर से पैसे लिए जा रहे थे क्या कि नहीं बाबू अगर तुमने इसका सब्सक्राइब का बटन अगर दबा दिया तुमने गलती से तो तुम्हें घर से पाँच रुपये निकाल के ला के देने पड़ेंगे देखो एक बालक जो था क्लास में बांट रहा था पैसे वो शायद थैंक्स बोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं ना आई गेस ओके नाउ द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था फैजान ने बोला है एनीवन देखो अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो आ, इस बालक ने थोड़े कुछ अच्छे काम भी किए थे इंडिया में जैसे बिंटेक अब जैसे इसने सती प्रथा को अगर रोक लगाने की अगर मैं बात कहूँ जो सती प्रथा चलती थी इंपॉर्टेंटली उस पर रोक लगाने की अगर बात कहूं तो भैया इन भैया ने किया था ये सब काम नेक्स्ट वन पहला ब्रिटिश वॉइस रॉय कौन था इंडिया में ना ना बेटा ना मैम के साथ धोखा नहीं हो सकता है मैम के साथ कोई नहीं धोखा कर सकता है on, यार हमें भी कोई धोखा देके जाएगा ये गम तो हम ना ले पाएंगे इट पॉसिबल ना 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 ना, 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 ना। जल्दी बताओ पहला ब्रिटिश वॉइस रॉय कौन था बेटा बिंटिक चला गया बिंटिक गयो अब तुम लोग बताओ वॉइस रॉय पूछा है मैंने ध्यान दो स्टिंग कैसे बता रहे हो देखो देखो इन लोगों जी गोपाल झारी मतलब जो जो मन में है ना जो जो ऑप्शन मन में है वो सारे ऑप्शन बता देंगे एक ने सही जवाब दिया टेक्निकल मूवमेंट ने सही जवाब दिया है एनी वन एल्स हिंट दू देखो एक राजा राम मोहन रॉय पे तुम लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका है मेरा भरोसा अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम को इस प्रकार के बंगाल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का डिवीजन किसने कराया था बेटा बड़ा ही फेमस कांड रहा था बंगाल का डिवीजन किसने कराया था अगर तुमको याद हो कैनिंग तो कैनिंग ने कराया था अच्छा दो और चीजें मैं इन लोग का नाम लॉर्ड वर्ड नहीं लगाती हूं अगर तुम अगर कभी लग गया गलती से तो वो अलग बात है लेकिन आप को क्राइटेरिया पता है ना कि इन लोग को ये जो नाम हुआ करता था इन लोग का असली नाम नहीं हुआ करता था इनके फॉर्मेशन होता था जैसे किंग प्रिंस ड्यूक ठीक है और

भैया डलहा लेके आया है डॉक्टर आया उसके तहत उसने बहुत सारे किए हैं तो एक काम करो इसको ना वो सारी चीजें दे दो ठीक है तो अर्ल का दे दो की उपाधि उसको दी जा रही है जिसने बहुत ही बेहतरीन काम किया हो उसको मार्क्वेज की उपाधि दे दी गई तो इस हिसाब से इनका नाम पड़ता था जैसे मान लो बारिश काफी तेज हो गई है आ, प्लीज प्लीज इंटरनेट फ्लक्चुएट मत करना भगवान थोड़ी देर साथ दे दो तो हमने आपको क्या बताया इसके बाद जस्ट ही आ, तुम समझ लो बहुत अच्छा काम जैसे तो तुम ऑकलैंड का नाम सुनते हो तो ऑकलैंड उसका असली नाम नहीं था बल्कि वो ऑकलैंड का समझ लो सूबेदार था एक प्रकार से जिसे ऑकलैंड तो में जो जगह है ऑकलैंड वहां पे उसने बहुत अच्छा काम किया था वो सूबेदार था वहां का तो इसलिए उसको उसकी उपाधि दे दी गई थी बात आई समझ में कैसे जाता है ये फॉर्मेशन तुम लोग को पता है एक चीज ये मेरी जो कैमरे की सेटिंग है ना ये कैमरे की सेटिंग अच्छी नहीं है मुझे ऐसे यहाँ से लग रहा है कि शायद अच्छा दिख रहा है अच्छा दिख रहा है लेकिन ये कैमरे की सेटिंग ना सही नहीं है किसको आती कैमरे की सेटिंग वेरी वेरी गुड कैनिंग 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 नेक्स्ट वन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पार्लियामेंट को फीस नहीं किया था मैं लाइट ऑफ कर रखी थी एक्चुअली मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था इसके बारे में समझो मेरी बातों को जो मैंने बताया मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि जब कांग्रेस ने इनसे अपना विश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया था तो इन्होंने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को फेस नहीं किया और उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था रिजाइन कर दिया था इन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था चरण सिंह ने पहले फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सबसे पहली बार कौन बताइए ना मूवमेंट जी क्या कह रहे आप टेक्निकल मूवमेंट बताइए राकेश एस एफ एफ जे एस एच एफ जे मायेक शाव ये आपके फर्स्ट फील्ड मार्शल थे नेक्स्ट वन पहले चीफ आर्मी स्टाफ जनरल के प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा कर दूंगा ये एक्चुअली क्या हो गया ना साइड में से छोटा सा चला गया है कई लोगों के दिमाग में ना चीजें सही से जाती नहीं है समझाओगे तब भी नहीं जाते क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करना था क्वेश्चन छोटा हो गया है जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा वेरी गुड जडेजा 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 बहुत अच्छे अगला सवाल पहला इंडियन एयर चीफ मार्शल फटाफट से पहली चीफ एयर चीफ मार्शल नेक्स्ट वन पहली डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया फटाफट से बारिश की आवाज़ आ रही है आवाज़ तो आएगी ही बारिश की क्योंकि बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है एक्सट्रीमली तेज़ जनरल बिपिन रावत बिपिन रावत बिपिन रावत कहां जा रहे हो तुम लोग कहां का जवाब कहां दे रहे हो तुम लोग किधर से जवाब दे रहे हो मैं सबकी बात सुन रही हूं जनरल बिपिन रावत नेक्स्ट वन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ नाउ दिस इज द क्वेश्चन जल्दी बताओ पहले पहले चीफ पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि आपके कहां से बने थे भैया साउथ से 1991 में किसकी सरकार थी 1991 में किसकी सरकार थी वही टाइम जब इंडिया ने फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्राइसिस को बचा लिया था इमरजेंसी क्राइसिस को बचा लिया था अगर आप तुमको याद होगा तो कौन थे राव नेक्स्ट वन फर्स्ट पीएम बोर्न आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस ऐसे प्रधानमंत्री जो कि भारत के आजादी के बाद पैदा हुए थे लेकिन उसके बावजूद ये बने थे ऑल द बेस्ट पनीत भैया आपके प्रेजेंट कौन है पीएम कोई बताएगा क्या मुझे आपके प्रेजेंट पीएम कौन है फर्स्ट टाइम की ओर से मैंने मंगा मैम डरने की जरूरत नहीं है और हाँ तुम लोग का टाइपिंग बैक स्पेस अलाउड है लेकिन ध्यान रखना तुम लोग का स्पीड कम ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट वालों और पैराग्राफ्स मिल रहे हैं तुम लोग को क्वेश्चन जो था जी काफी मॉडरेट आया था जो कि और इजी बहुत तो, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव का पेपर इस बार इजी जो मॉडरेट तुम्हारा रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर क्योंकि एग्जाम का डेट आप लोग का जो है वो जल्दी अनाउंस कर दिया गया है तो क्या है क्वेश्चन पेपर इजी टू मोनरेट क्वेश्चन है बहुत आराम आराम से जाके देना है टाइपिंग के वक्त पे घबराना नहीं है टाइपिंग स्पीड आप लोग की वही है थर्टी टू थर्टी फाइव वर्ड पर मिनट है आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आराम से जाइए और एग्जाम दीजिए ठीक है घबराने की बात नहीं है इसमें ओके अरे नरेंद्र मोदी जी बेटा तुम लोग एपेज अब्दुल कलाम साहब के बारे में कैसे बता रहे हो मैंने पीएम पूछा है वो पीएम बने हैं जो भारत की आजाद होने के बाद जिनका जन्म हुआ है हम बात कर रहे हैं आपके मोदी जी के बारे में अरे वो किसी ने जिसने मेरे नाम से ट्विटर पे अकाउंट बना रखा है मतलब आ, मुझे ना लोग इंस्टाग्राम पे भेजते हैं एक्चुअली उसका स्क्रीनशॉट ले ले कि मैम ये आज आपने पोस्ट किया था तो मैम मैं ये काम कर सकता हूँ मैम मैं वैसा काम कर सकता हूँ तो किसी ने उस जिस लड़की ने मेरे नाम से ट्विटर पे अकाउंट बना के रखा है उसने पोस्ट किया था मोदी जी चीता लेके आए हैं तो उसने एक चीते का पिक्चर दिया था बड़ा क्यूट सा और लिखा था कि मुझे भी एक चीता चाहिए बताओ यार एक दिन नाम बना के रखा आई डी से दिव्या त्रिपाठी मैम और मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि मैम मैं ला दूंगा आपको चीता मैम मैं वो चीता मैम ये मैंने कहा यार ये लड़का क्या कर रहा है ठीक है और इतना कंट्रोवर्शियल काम करता है ना इतना कंट्रोवर्शियल काम करेगा ना वो वहाँ पे ट्विटर के ऊपर और कतई एक्टिव आदमी है मतलब मुझसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहा जाता मुझसे व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहा जाता है लेकिन मानना पड़ेगा उसको एकदम हर एक मोमेंट पे एक्टिव रहता है वो आज बताओ कौन जीतेगा भ्रष्टाचार ऐसा है ये ऐसा है मैं तो चार बार सोच लूँगी कि अरे नहीं यार ऐसा कैसे बोल सकती हूँ ऐसा कैसे कह सकते हैं लेकिन वो एकदम रैंडम लिखे जा रहा है नहीं तुम लोग हो ना नजर नहीं लगेगी चिंता ना करो पहले चेयरपर्सन लोकपाल के पिराकी चंद्र राइट 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 पिराकी चंद्र घोष पहले सिख पीएम कौन थे इंडिया के जल्दी से बताओ नरेंद्र दामोदर दास मोदी सही बात सही बात बेटा पहले वाले का जवाब है इसका जवाब दो आपको अगर याद है जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक बात कि 1991 में हमारे पास ना फाइनेंशियल क्राइसिस थी लेकिन इस क्राइसिस से हमें बचाने वाले जो उस टाइम पे हमारे जो वित्त मंत्रालय जिन्होंने संभाल रखा था वो कौन थे डॉक्टर एक्सट्रीमली गुड एक्सट्रीमली गुड एट हज वर्क मतलब इतना, इतना, इतना अच्छा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी करना देखो बस गलत इतना हो गया कि जब इनको पीएम बनाया गया तो इनके हाथ में पावर नहीं दी गई यह हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम्हें कुछ कहा जाए करने के लिए और तुम्हारे हाथ में अगर पावर ही ना दी जाए तो वो चीज क्या हो जाती है खत्म हो जाती है वहीं पे राइट इसका जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह इसलिए लोगों को बोलने का ही मौका मिल गया एक बार बताओ भारत, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जल्दी 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 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो एक ऐसी नदी जिसको हम लोग पूजनीय नदी भी मानते हैं जो आपकी सबसे लंबी नदी के तौर पे जाती है अगला विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दॉटर जल्दी बताओ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर बेटा वर्ल्ड पूछा है इंडिया नहीं पूछा है जो तुम लोग जवाब में लिख रहे हो है ना गंगा गंगा लिख रहे हो अगला लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया सहायक नदी सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है इंडिया की मालव बेटा हो गया हो गया हो गया हो गया खतम 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 सबसे बड़ी ट्राइब्री कौन सी है? एक बात बताओ। ये जो इंडस नदी है क्या अगर हम चाहे तो क्या इसका पानी हम रोक सकते हैं इज इट पॉसिबल अभी काफी बातें चल रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टाइम पीरियड पर कि अगर इंडिया चाहे, तो इंडस का पानी रोक सकता है और अगर इंडियन इंडस का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है उसके पास पीने को पानी नहीं होगा क्योंकि उसकी सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो सिंधु नदी के पानी पे आधारित है अब कैसे एक बात बताना ये नदी क्या इंडिया होके गुजर रही है कैसे रोक सकता है इंडिया अब इसके बारे में एक ये भी याद आ रहा है कि उन्नीस में हमने ट्रीटी भी की थी क्या इसका जवाब यमुना नदी है जिसका हालत दिल्ली में काफी बुरा किया गया है लॉन्गेस्ट ट्राइबरी रिवर है इंडिया की यमुना नदी ठीक है और आपके इलाहाबाद में तीनों का संगम होता है जिसे आप प्रयागराज में सॉरी प्रयागराज नया नाम जिसमें तीनों का संगम होता है है ना? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ध्यान दीजिएगा इंडस रिवीगढ़ की जो ट्रीटी हुई थी उन्नीस में हुई थी अब इस ट्रीटी में कौन था वर्ल्ड बैंक था जिसने इसमें मध्यस्थता की थी लेकिन हमने इसके ऊपर डैम बना लिया हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या लगता है तो हम कल को क्या पानी भी रोक सकते हैं तुम लोग का जवाब ना मुझे पुराना आ रहा है, को मुझे रिफ्रेश करने दो एक बार इसको ओके okay. हाँ सरस्वती ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि विलुप्त तो हो चुकी है एक प्रकार से जल्दी से चलो अगला लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर आप किसे जानते हैं गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं जल्दी बताओ दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से लोग किसे जानते हैं अगला हाईएस्ट माउंटेन पीक जल्दी 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 इतना देर नहीं करना है हम लोग अब तक पचास क्वेश्चन के ऊपर कर चुके पचास पचपन के ऊपर कर चुके कहा हो तुम लोग इतनी धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट एट थाउजेंड एट हंड्रेड माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट लेक इन दर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी अगर मैं पूछ दू सबसे मीठी झील कौन सी तो क्या बताओगे? अगर मैं पूछ दू कि सबसे मीठी झील कौन सी है तो क्या बताओगे? क्या स्पेन लेक तीन लाख इकहत्तर हजार स्क्वायर किलोमीटर विच इज द डीपेस्ट lake इन द वर्ल्ड मुझे ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि अब मेरा वाइफ है जो थोड़ा सा गड़बड़ाने ही वाला हो सकता है तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी डीपेस्ट लेक इन दर्ल्ड Next नेक्स्ट वन dam डैम इन world. अब मैं ना कल से पता क्या काम करूंगी मैं इसको बड़ा अट्रैक्टिव करके लेके आऊंगी तो देख रहे बड़े बड़े मैं फॉन्ट में, में लेके आऊंगी इसे बड़ा बड़ा करके और इसको अपन क्या करेंगे जितने भी स्टैटिक आप कहें ना वन लाइनर की एग्जाम वाले वो सारे करेंगे चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो आपके वन लाइनर किस विटामिन की कमी से क्या होता है ठीक है गंजे किस विटामिन की कमी से हो जाते हैं ठीक है ठीके? बाल सफ़ेद किस विटामिन की कमी से होता है आपके वन लाइनर जो पॉलिटी के हो गए हिस्ट्री के हो गए जोग्राफी के हो गए ईच एंड एवरी विल बी देयर ठीक है हाइएस्ट डैम कहां पे है कुछ याद आ रहा है उत्तराखंड में भागीरथी रिवर भागीरथी रिवर याद आ रहा है अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं भागीरथी जो है ये गंगा का ही नाम है या गंगा के ट्राइब्यूटरी के नाम से भी से जानते हैं भगिरथी रिवर को कहते हैं कि राजा भागीरथी जो है वो गंगा को लेके आए थे हिमालय से इसलिए उसका नाम भागीरथी नदी भी पड़ता है तहरी डैम के नाम से जानते हैं जो कि कहाँ पे आप स्थित है अ क्या नाम है उसका जगपिंग साइड पे अगला अरे ये क्वेश्चन था हाईएस्ट डैम मतलब जवाब उसका अलग था वो अलग था हाईएस्ट डैम इन इंडिया जवाब उसका अलग था ये देखो तहरी डैम और भगरेथी रिवर उत्तराखंड हाइट कितनी दो सौ साठ मीटर बेटा जल्दी ली करेंगे जल्दी ली बताओ अब बताओ लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड <coughs> क्या हो गया क्या हो गया हाँ हे भगवान लार्जेस्ट डैम वर्ल्ड में जॉर्जिस लैंड चाइना जॉर्जिस लैंड चाइना 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 में स्थित है आपका डैम और चाइना की हालत भी कुछ ऐसी हो गई कि शी जिनपिंग जो है भैया ये हो चुके हैं नजरबंद और खबरें आ रही है कि इनकी मौत हो चुकी है लेकिन इससे पहले तो गायब तो बहुत लोग रहे हैं अगर तुम्हारा वो नॉर्थ कोरिया वाला क्या नाम हो सकता है नाम है ना वो भी गायब थे बड़े दिन तक उनके बारे में खबरें थी कि भैया मर गए मर गए मर गए शायद लेकिन फिर आ गए पुतिन साहब भी बहुत दिनों तक गायब रहे थे लेकिन चलो ठीक है वो वापस आ गए हो अप्रॉक्सीमेटली अब अगला ध्यान दो जल्दी से सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी मस्जिद दुनिया में कौन सी है इसके साथ मुझे बताओगे कि इंडिया की पहली मस्जिद कौन सी थी बताओ जल्दी 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 इतना तो पता है कि सऊदी अरेबिया में है मैम ये तो सबको पता है <laughs> अभी तो कौन जवाब दे रहा है कौन कौन जवाब दे रहा है इसके बारे में ताजमहल तुम बेटा अलग तरीके से मारखा होगी चिरानम जुमा मस्जिद का नाम नहीं सुने हो चिरानम जुमा मस्जिद इंडिया के बारे में और इसकी क्या है भैया आपकी मस्जिद अल हरम आपकी जो सऊदी अरेबिया में है और इंडिया वाली चिरानम है लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया सबसे बड़ी मस्जिद इंडिया में कौन सी है गलत गलत जवाब मत दिया करो वो मस्जिद जो तुम लोग नहीं दिखते मतलब अगर जो लोग हिंदू नहीं उनको तो पता है ये बात है कि ईद के बारे में कौन बताता है कि अच्छा अब चांद दिख गया है तो अब ईद तारीख को मनाई जाएगी कौन अनाउंस करता है बताओ जमा मस्जिद दिल्ली कहां पे जमा मस्जिद दिल्ली अगला भारत की सबसे लंबी सड़क फड़ावत से मतलब सब्सक्राइबर मोड सिर्फ मैम ये एक बच्चा सब्सक्राइबर मोड मैम सिर्फ आपके वाले क्लास में ही रहते हैं क्यों आपको बाकी क्लासेज में सब्सक्राइबर मोड नहीं दिखता है आपको सिर्फ मेरी क्लास में दिखती है सब्सक्राइबर मोड फटाफट से मजेदार बेटा वेरी वेरी गुड कल से क्वेश्चन को हम और ज्यादा इसको क्या करके लेके आएंगे श्रीनगर टू कन्याकुमारी यार वो किसने -किसने चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान वाली श्रीनगर टू कन्याकुमारी एन एच फोर्टी फोर एन एच फोर्टी फोर से आपकी जा रही है भैया साउथ कॉरिडोर जो है आपकी ऑफिशियली लिस्टेड है मतलब सौ बारह किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जारी है और ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया में नेक्स्ट वन विच इंडियन स्टेट इज हाईवे लॉन्गेस्ट को सबसे भारत राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है किसकी तटरेखा सबसे लंबी है फटाफट से कट रेखा किसकी 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 अरे बाबा तुमको याद है एक राजा था जोधपुर का चलो ठीक है अब वो राजा कहाँ जाना चाहता था पाकिस्तान जाना चाहता था क्यों जाना चाहता था क्योंकि उसको चाहिए था पोर्ट पोर्ट क्यों चाहिए था ताकि इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसानी से हो सके तो उसको पटेल साहब ने कैसे मंगवाया मनवाया उसको बोला कि भैया तुमको तो एक पोर्ट ही चाहिए तो एक काम करते हैं हम गुजरात का कच्छ दे देते हैं क्या दे देते हैं गुजरात का और इसको दे के ऐसा मना लिया था बताने का तरीका ये था कि याद रख सको इसको नेक्स्ट वन सबसे लार्जेस्ट रेलवे रूट इंडिया में कौन सी है कोई मुझे बता सकता है कि आसाम फेमस क्यों है आसाम का जो दिग्बॉय है ये क्या है ओल्डेस्ट रिफाइनरी है ओल्डेस्ट रिफाइनरी है आपको पता है ना इंडिया जो तेल खरीदता है कच्चा तेल खरीदता है एक लीटर तेल को रिफाइन करने में हमें दो रुपए का कॉस्ट पड़ता है आप जितने का भी इंडिया अगर तेल खरीदेगा जितने का भी तेल खरीदेगा उस पर जो उसको प्राइस लगेगा वो दो रुपए का लगता है अब मैंने ये क्यों बताया क्योंकि भैया ये जो रेलवे रूट जाता है तुम्हारा ये आसाम से तमिलनाडु होते हुए जाता है डिबूगढ़ है ना आसाम में तो आसाम के दिबूगढ़ से होता हुआ ये जाता है क्लियर देखो डिब्रूगढ़ इन आसाम तो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु विवेक एक्सप्रेस जो है ये कवर करता है इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रूट ट्रैवल कर रहा है चार हजार दो सौ सेवन थ्री किलोमीटर रेल्स इन एटी आवर पंद्रह मिनट अस्सी घंटे पंद्रह मिनट और इसमें मुश्किल से बस पचपन शेड्यूल स्टॉप है और ये पूरा नॉर्दर्न मोस्ट टिप कनेक्ट कर रहा है इंडिया का मेन लैंड कन्याकुमारी तमिलनाडु डिब्बूगढ़ आसाम से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा साउथ में ये जा रहा है ये रेलवे लाइन ग्रैंड ट्रंक रोड यस बताओ जीटी रोड किसने बिल्ड किया था शेरशाह सूरी ने लॉन्गेस्ट रोड टर्नल जो है विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है चलिए आज के सेशन को हम यही भी खत्म करेंगे जल्दी से आ, क्योंकि और कल हम लोग इस सेशन को थोड़ा सा और मजेदार बना के आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन करवा के हम लोग लेके आएंगे वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो गया और जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ठीक है जैसे आज हम लोगों ने सत्तर क्वेश्चन कर लिए वेरी वेरी गुड लैडरल टर्नल लैडरल टर्नल टू पॉइंट फाइव किलोमीटर की है कौन सी आपकी लैडरल टर्नल तो देखो पढ़ना कैसे है वन लाइनर तो पढ़ेंगे लेकिन वन लाइनर से जुड़े हुए अगर उस वर्ड से जुड़ा हुआ कुछ और भी है इतिहास में वर्तमान में तो उससे जुड़ी हुई चीजों को भी हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और पढ़ते हुए उसको हम लोग क्या करेंगे भैया आगे बढ़ते हुए जाएंगे बात आई समझ में तो चलो फिर मिलते हैं आप आप लोगों से वन लाइनर का का सेशन जो होगा ये आप होगा ये रोज सुबह के दस बजे तो दस बजे रोज सुबह हमारे से जुड़ना आप लोग भूलेंगे नहीं बिल्कुल आपकी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वन लाइनर के होंगे दूसरी चीज मैंने क्या बताया अभी आप लोग का सेशन है बारह बजे पॉलिटी का ठीक है सो बी रेडी गाइज बाई टेक केयर थैंक यू सो मच